बहुत पुरानी बात है, भोला नाम का एक नौजवान था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत सी दौलत छोड़कर मर गए, लेकिन उसने अपने दोस्तों की संगत में पढ़कर सब कुछ बर्बाद कर डाला। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसके सभी दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया। एक दिन भोला सोचने लगा कि अब क्या करे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मजबूर होकर जो कुछ भी उसके पास बचा था, उसी से एक बैलगाड़ी खरीद ली और उसे किराए पर चलाने लगा। अब तक भोला को काफी अकल आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करता था। हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखता था। जब थोड़े पैसे हो जाते, तब वह फिर से एक दो बैलों वाली गाड़ी खरीद लेता। इस प्रकार पैसे बचाते बचाते उसके पास लगभग 50 बैलगाड़ियां हो गईं। उन बैलगाड़ियों से उसे अच्छी आमदनी होने लगी। भोला अब आराम की जिंदगी बिताने लगा। एक बार वे अपनी खाली बैलगाड़ियों को लेकर वापस लौट रहा था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो बैलगाड़ियों को हांक रहे थे। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा सा खाली मैदान है जो हरी हरी घासों से भरा है। उसने सोचा दो घड़ी वहीं बैठकर आराम कर ले, इतने में बैल भी मैदान में चरकर अपना पेट भर लेंगे और वह भी थोड़ा सुस्ता लेगा। यही सोचकर उसने बैलों को मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया, खुद वहीं पेड़ के नीचे अपने आदमियों के साथ आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में एक साधु जो कहीं से पैदल चले आ रहे थे वहां पहुंचे। वह भी उसी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों में बातचीत हुई, फिर भोला ने खाना निकाला, खुद भी खाया और साधु को भी। था इसीलिए बैलगाड़ियों को कतार बांधकर ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे चलकर साधु ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो। वह साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर साधु ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला दी। उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर उठने लगा। जैसे ही धुआं हटा, वहां एक बहुत बड़ा सा टीला नजर आने लगा। देखते ही देखते पहाड़ियों तक जाने के लिए एक रास्ता बन गया। भोला ने गौर से देखा कि वह रास्ता पहाड़ी के ऊपर बनी हवेली के दरवाजे तक जाता था। दरवाजा खुल गया। वे दोनों बैलगाड़ियों सहित वहां तक पहुंच गए। भीतर दौलत के बहुत बड़े बड़े ढेर नजर आए। अशर्फियां, हीरे, मोती, सोना और चांदी। भोला ने एक साथ इतनी दौलत कभी ना देखी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी बोरों में सभी कुछ भर लिया
खजाने वाली जगह से निकलकर बाहर निकलने लगे, तभी भोला ने देखा कि वह साधु फिर से दरवाजा खोलकर भीतर गए और वहां से एक सुनहरी डिबिया निकालकर अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद वे दोनों वहां से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन दोनों ने बैलगाड़ियों का बंटवारा कर लिया और आगे चले। भोला के दिल में लालच सवार हो गया था। उसने सोचा, ये कैसा साधु है जिसके आगे नाथ न पीछे पगहा, इतनी दौलत का करेगा क्या, उल्टे इतनी दौलत को संभालने में इसका कितना वक्त लगेगा, आश्रम बनवाने में कितना खर्च हो जाएगा, इतनी दौलत पाकर तो ये ईश्वर की प्रार्थना करना ही भूल जाएगा। यही सब सोचकर उसने साधु को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर साधु रुक गए। भोला नजदीक पहुंचकर बोला, आप तो साधु हैं, इतनी दौलत लेकर आप क्या करेंगे, फिर बैलों की देखभाल करने में आपको कितनी दिक्कत होगी, इससे अच्छा है कि आप अपने हिस्से की बैलगाड़ियों में से 5 मुझे दे दीजिए। ये बात सुनकर साधु ने पल भर सोचा, फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, इतने बैलों की देखभाल करना सचमुच मुश्किल काम है, इनमें से जितने चाहो उतने ले लो। ये सुनकर भोला के मन में और लालच आ गया। उसने सोचा, मैंने बेकार में 5 बैलगाड़ियों की ही बात की, इससे अच्छा मैं उससे 10 बैलगाड़ियों की बात करता। धीरे धीरे उसने एक एक करके उस साधु से सारी बैलगाड़ियां मांग ली, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, अब जो सुनहरी डिबिया आपने अपनी जेब में रखी थी उसमें क्या है। तब उस साधु ने बताया कि उसमें एक ऐसा द्रव्य जिसको अगर कोई अपनी बाई आंख में लगा लेगा तब उसे आसपास जहां कहीं भी खजाना होगा दिखाई पड़ जाएगा, अगर दाहिनी आंख में लगाएगा तब वह जीवन भर के लिए अंधा हो जाएगा। भोला का लालच और बढ़ गया और उसने कहा, आपको इस डिबिया की क्या जरूरत है, ये भी मुझे दे दीजिए, मैं संसारी आदमी हूँ। साधु ने भोला की तरफ एक बड़ी अजीब नजरों से देखा और बिना कोई आपत्ति किए सुनहरी डिबिया उसके हवाले कर दी। जैसे ही भोला ने डिबिया में से वे द्रव्य निकाल कर बाई आंख में लगाया, उसे वहां आसपास जितने भी खजाने थे सब दिखाई पड़ने लगे। उसकी आंखें चुंधिया गईं। भोला का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि द्रव्य दो तरह के काम कैसे कर सकता है, जरूर दूसरी आंख में लगाने से मुझे और भी खजाने दिखाई पड़ेंगे। उसने दूसरी आंख में भी वह द्रव्य लगा लिया। दूसरी आंख में द्रव्य लगाते ही वह दोनों आंखों से अंधा हो गया। उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए और बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। साधु की बहुत खुशामद की, लेकिन साधु तो पहले से ही उसके लालच भरे बर्ताव से खिन्न हो चुके थे। उन्होंने उसको उसी हालत में छोड़ दिया और बैलगाड़ियों पर लदी सारी दौलत लेकर ना जाने किस दिशा में चले गए। भोला को अपनी लालच का फल मिल गया था। उसने लालच में पड़कर सारी मिली हुई दौलत भी गवा दी थी। पहले उसने अपने माता पिता की छोड़ी हुई दौलत कम अकल के कारण मौज मस्ती में गवा दी। जब ज्यादा दौलत मिली तो लालच में पड़कर पूरी की पूरी गवा दी। इसीलिए कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। राजू दिन भर धान के खेत में कुछ और किसानों के साथ काम कर रहा था। राजू के गांव में हर साल बहुत ही अच्छी फसल उगती थी। गांव में किसी चीज की कमी नहीं थी और सभी खेती बाड़ी, गाय बकरियां चराने और लोकल व्यवसाय करते थे। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव का निरीक्षण करने आए। यस, ये जमीन परफेक्ट है। सर, गांव वालों से जमीन को लेकर बात करनी होगी। बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भरी पंचायत में प्राइवेट कंपनी के उन लोगों ने बहुत ही बड़ी रकम देके खेतों को खरीद लिया। आप सभी को हम यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री और बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना कर देंगे। यदि आप हमारा साथ देंगे तो इस जगह पर और प्रगति होगी। लेकिन सर, हम सब किसान हैं। यदि हमने अपनी जमीन यूं ही बेच दी तो हम आगे चलकर क्या करेंगे? हाँ हाँ, हम इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। हाँ, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें बड़े स्कूल का मोह नहीं, हम अपनी जमीन से जुड़े हैं। ये जमीन हमारी रानी माता द्वारा हमें सौंपी गई है,
उन्हीं के जादू से आज तक यहाँ हमेशा अच्छी फसल हुई है। गांव वाले एक एक कर मिस्टर जेम्स का विरोध करने लगे। रानी का जादू, कब तक ऐसे अंधविश्वास में जिएंगे आप लोग? गांव से बाहर देखिए, लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं। लगता है आप लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, इस प्रकार आप पिछड़े गांव के निवासी कहलाएंगे। सभी गांव वाले ये सुनकर चुप हो गए। गांव वाले पहले तो इस हक में नहीं थे, लेकिन बाद में बड़े स्कूल, बड़ी फैक्ट्री के लालच में आकर वे अपनी जमीन खो बैठे। अब गांव की उपजाऊ जमीन पर खेती नहीं होगी। सभी निवासी दुखी थे, बस इस कंपनी के वादों के भरोसे बैठे थे। कब तक हम यूं बिना खेती के बैठेंगे? हम इस जमीन से जुड़े हैं। सरपंच जी, हमें लगता है कि मिस्टर जेम्स से हमें जमीन वापस ले लेनी चाहिए। पर अब दुगनी रकम में जमीन वापस लेना गांव वालों के लिए संभव नहीं था। सभी निराश हो गए। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा था। खेतों में अब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या, कल ही तो गड्ढे खोदे थे, बड़े बड़े, रातों रात कैसे भर गए, कहाँ गए? सभी मिस्त्री एक दूसरे को देखने लगे। वे गांव वालों पर आरोप लगाने लगे, लेकिन गांव वाले स्वयं हैरान थे। अवश्य ही हमारी रानी माता का जादू है ये। मिस्त्रियों ने गांव वालों की बात अनसुनी कर फिर से काम शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर से सब पुराने जैसा ही मिला। आज हम यहाँ रात को आकर छुप कर नजर रखेंगे, मिस्टर जेम्स को भी इस बात की खबर देंगे। रात को मिस्टर जेम्स भी छुप कर निरीक्षण करने पहुँचे। वे एक बड़े पेड़ के पीछे छुप कर खोदी हुई जमीन पर नजर रखने लगे। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? जानती नहीं इधर गांव वालों की अब जमीन नहीं है। वे अनजान महिला मिस्टर जेम्स की आवाज़ सुनकर मुड़ी और उनकी तरफ बढ़ी। हर कदम पर भारी घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं की महारानी हो। ये मेरी जमीन है और ये मेरा गांव है। इतनी जोर से आवाज़ सुनकर मिस्टर जेम्स घबरा गए। ऐसा लगा जैसा पूरा गांव आधी रात को उस महिला की आवाज़ से गूंज उठा हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ इस गांव की महारानी, रानी माता, इस गांव की रक्षक। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मिस्टर जेम्स डर से लड़खड़ाते हुए गिर गए। मिस्त्रियों ने उन्हें पकड़ा और सभी पीठ दिखाकर रातों रात गांव से भाग खड़े हुए। अगले दिन जमीन को पहले जैसा पाकर गांव के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार फिर किसान खुश थे और गांव की महारानी हमेशा साई की तरह घूमती रहती थी।